नमस्कार दोस्तों, माइट्रिक्स वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से डीजे बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल से ही डीजे सॉन्ग बना सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको डीजे सॉन्ग बनाने का एक वीडियो दिए थे, जिसमें बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया था कि आप इससे भी आसान तरीका बताइए। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से डीजे बनाना सिखाऊंगा, और आप बिल्कुल वैसे गाना बना सकते हैं जैसे आप शादी ब्याह में सुनते हैं। तो चलिए पहले आप डेमो देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने डेमो तो देख लिया, तो इस तरह का डीजे सॉन्ग आप भी बना सकते हैं। तो अगर आप डीजे सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी मिलेगा, उसे भी दबा दें, जैसे आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। तो चलिए हम पहले प्ले स्टोर में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया। तो आपको इस गूगल प्ले सर्च में लिखना होगा वॉइस चेंजर विथ इफेक्ट। चलिए यहाँ पे वॉइस चेंजर विथ इफेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको लिखकर सर्च करना होगा। चलिए सर्च कर देते हैं। तो सर्च करने के बाद हमारे सामने वॉइस चेंजर विथ इफेक्ट का एक ऐप आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और इसे 4.2 का रेटिंग मिला है। दोस्तों, आप जितना भी गाना सुनते हैं डीजे का, उसमें से लगभग 50% टैग इसी ऐप से बनता है। चलिए हम आपको नीचे ले चलते हैं। आप इसका रिव्यू पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू दिया गया है और आप समझ सकते हैं कि यह ऐप कितना अच्छा है। तो आप इसी ऐप से आप लड़की के आवाज़ में चाहे तो लड़की के आवाज़ में अपना टैग बना सकते हैं, या आप लड़का के आवाज़ में चाहे तो लड़का के आवाज़ में अपना टैग बना सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह से खुलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट दिया गया है। आप जिस इफेक्ट में चाहे उस इफेक्ट में अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना टैग बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहां से आप अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लड़की के आवाज़ में आपका टैग बने तो आपको करना क्या होगा, यहां पे आप तीन बिंदु देख सकते हैं, इस पर आपको टच करना होगा। उस पर टच करने के बाद आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट वॉइस फ्रॉम टेक्स्ट का। चलिए इस पर हम टच करते हैं। उस पर टच करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट वॉइस फ्रॉम टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम अपना नाम लिख देते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे डीजे आरके लिख दिए। तो इस तरह से आप जिस नाम को चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ओके का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टच करना होगा। ये ऑनलाइन बनता है दोस्तों, आपको यहाँ पे डाटा चालू करके रखना होगा। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गया। चलिए अब हम सुन के देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप का जो ऑप्शन है, इसमें लड़की का आवाज़ है और ये बहुत ही अच्छा आवाज़ है। तो हम चाहते हैं कि इसी आवाज़ में सेव हो। तो यहाँ पे आप तीन डॉट देख सकते हैं उसके सामने, तो इस पर आपको टच करना होगा। उस पर टच करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, या सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सेव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इस पर टच करके हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं डीजे आरके। हम इसका नाम डिफिकल्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस नाम से बहुत सारा टैग हम बना चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे 4D दिए हैं और डीजे आर के नाम से सेव कर रहे हैं। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो ये लोडिंग ले रहा है और ये सेव हो गया। ओके, अब दोस्तों आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में फिर से आपको जाना है। चलिए प्ले स्टोर में हम फिर से चले जाते हैं।
और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है, तो वो ऐप क्या है, काइंड मास्टर। चलिए यहाँ से हम काइंड मास्टर सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काइंड मास्टर का ऐप आ गया है, तो आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। आप इसका भी रेटिंग देख सकते हैं, 4.4 है और इसे 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो आप इसी दो ऐप की मदद से अपना डीजे बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है। चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस का जो आइकन देख रहा है इस पर टच करना है। चलिए इस पर हम टच करते हैं और यहाँ से आपको एम्पेटी प्रोजेक्ट पर टच करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको टच करना है और यहाँ बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है इस पर टच करना है और यहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सही का टिक देख सकते हैं, इस पर टच करना है और ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका लेंथ हमें बढ़ा लेना है। चलिए इसको हम एक मिनट के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये एक मिनट के लिए बढ़ गया। अब आपको करना क्या है, फिर से आपको सही के टिक पे टच कर देना है। तो दोस्तों ये मेरा गाना का पोस्टर हो गया। अब आप यहाँ पे कोई भी गाना रख सकते हैं, उसके लिए आपको ऑडियो पे टच करना होगा। चलिए ऑडियो पे हम टच कर देते हैं। ऑडियो पे टच करने के बाद आपके मोबाइल में जितना भी गाना होगा वो गाना यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो गाना यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे प्लस पे टच कर देते हैं। प्लस पे टच करने के बाद ये गाना यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको ले आए। अब आपको सही का जो टिक देख रहे हैं उस पे टच करना होगा। तो ये गाना यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम इसको काट के हटा देते हैं। काटने के लिए यहाँ पे कैंची देख रहे हैं, जब आप इस गाना पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे कैंची आ जाएगा। इस पे टच करके इसको हम काट देते हैं, ट्रिम कर दिए। अब ये एक मिनट का गाना बन गया। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बीच बीच में आप जो टैग बनाए हैं उसको डालना होगा। तो उसके लिए आपको फिर से ऑडियो पे टच करना होगा और यहाँ पे आपको वो टैग मिल जाएगा। चलिए उस टैग को हम ढूंढ लेते हैं कि वो टैग कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं जो हम टैग बनाए थे वो यहाँ पे है। चलिए प्लस पे हम टच करके इस टैग को ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं वो टैग यहाँ पे आ गया। फिर आगे जाके हम इस टैग को ले लेते हैं, फिर आगे जाके टैग को ले लेते हैं, फिर आगे जाके टैग को ले लेते हैं और फिर यहाँ पर टैग को ले लिए और यहाँ लास्ट में भी टैग को ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको टैग ले लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टच करके यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टच करके आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डीजे आर के लिख देते हैं, ओके। और ये टैग यहाँ पे आ गया। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर हम टच करेंगे और यहाँ से पॉप ले लेंगे या फेद ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। चलिए हम ड्रॉप कर दिए, ओके। अब आपको करना क्या होगा, इसके लंबाई को बढ़ा लेना है। जितना बड़ा गाना है उतना बड़ा लंबाई बढ़ा लेना है। ये बढ़ गया। अब हम सही के टिक पे टच कर देते हैं। अब मेरा पिक्चर भी तैयार हो गया और यहाँ पे गाना भी तैयार है। अब आपको करना क्या होगा, साउंड को थोड़ा कम कर देना होगा। चलिए हम गाना के साउंड को थोड़ा कम कर देते हैं, ये देखिए 50 कर दिया। और अपने टैग के साउंड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये देखिए इसको 160 कर दिए। फिर इसी तरह आगे का जो टैग है उसका भी साउंड बढ़ा देना है। चलिए इसको भी हम बढ़ा देते हैं, फिर इसको भी बढ़ा देते हैं, फिर इसको भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें अलग से कोई म्यूजिक डालना चाहते हैं तो आप फिर से ऑडियो पर टच करके उस म्यूजिक को ले सकते हैं। जैसे चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम बीच बीच में चाहते हैं कि कोई और भी म्यूजिक आए तो उसके लिए हम फिर से नया म्यूजिक डाल देते हैं। ये देखिए आई लाइक यू का म्यूजिक है, चलिए इसको डाल देते हैं। यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे डाल दिए और यहाँ भी डाल देते हैं और सही के टिक पे टच कर देते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब हम चलिए इसको सुन के देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हम डीजे सॉन्ग बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अपने नाम का डीजे बना सकते हैं। तो अब आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको टच करना होगा। चलिए इस पर हम टच कर देते हैं। उस पर टच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव वीडियो टू गैलरी का ऑप्शन है, चलिए हम इस पर टच कर देते हैं।
जब उस पर टच कीजिएगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम हाई डिफिनेशन ये जो क्वालिटी है यही को ले लेते हैं। तो इस पर हम टच कर दिए और ये देखिए मेरा एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट चालू हो गया और ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे प्ले करके, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया। अब चलिए हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्ले का जो ऑप्शन है उस पर टच कर देंगे। तो चलिए हम प्ले पे टच कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया और सुन भी लिया। तो इस तरह का डीजे सॉन्ग आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस दो ऐप को रखना है अपने मोबाइल में और उस दो ऐप से आप जितना भी डीजे गाना बनाना चाहे बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसमें जो म्यूजिक डालना चाहे डाल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आप गाने बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हम अपने मोबाइल से डीजे गाना बनाएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह अगले वीडियो में।